तो हेलो गाइस, जिस वीडियो का आप लोगों को काफी टाइम से इंतजार था कि हम अपने हाई पिक्सल वाले एटर्नस के सर्वर में स्काई वॉर्स कैसे बनाएंगे, कब बनाएंगे, तो लो आज फाइनली हम स्काई वॉर्स इस सर्वर में बनाएंगे। और अगर आपको भी बनाना है स्काई वॉर्स अपने एटर्नस के सर्वर में एकदम हाई पिक्सल टाइप का, तो वीडियो को पूरा देखना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, क्योंकि हम हाई पिक्सल का पूरा सीरीज लेके तो चल ही रहे और हाई पिक्सल के लिए ओपी ओपी चीजें बना भी रहे, बाकी माइनक्राफ्ट के और भी ओपी ओपी हम ट्यूटोरियल्स बना रहते, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो गाइस सबसे पहले तो हमें वर्ल्ड क्रिएट करना होगा स्काई वॉर्स के लिए। उसके लिए आपको टाइप करना है MVC स्पेस स्काई वॉर्स नॉर्म स्पेस नॉर्मल, ओके। तब ये लिख के इंटर कर दोगे तो आपका वर्ल्ड क्रिएट होने लगेगा स्काई वॉर्स का, और थोड़े टाइम में कंप्लीट लिख के आ जाएगा या फिर गेम अपने आप कट जाएगा। अगर गेम को मतलब डिस्कनेक्ट हो गया तो भी आपका वर्ल्ड क्रिएट हो जाएगा, कंप्लीट लिख के आ गया तो भी वर्ल्ड क्रिएट हो जाएगा, ठीक। और अगर आप चाहो ना तो वर्ल्ड क्रिएट की नहीं भी करोगे तो आप डायरेक्ट इस लॉबी में भी बना सकते हो, पर वहां थोड़ा दिक्कत होगा। इससे अच्छा स्काई वॉर्स का वर्ल्ड क्रिएट करो, वहां पे हम लॉबी देंगे, लॉबी को डाल के फिर आप क्रिएट करना, एकदम प्रोफेशनल लगेगा, ठीक। देखो हमारा कनेक्शन लॉस्ट हो गया, कनेक्शन लॉस्ट का मतलब हमारा कनेक्शन लॉस्ट हो गया बट वर्ल्ड ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। तो आप एक काम करो, दोबारा रिफ्रेश करो पेज को और गेम को ज्वाइन कर लो, ठीक। तो हमारा ज्वाइन हो चुका है पर चेक करना है कि बना है कि नहीं, तो उसके लिए आप MV लिस्ट लिख सकते हो। तो MV लिस्ट लिखोगे ना तो आपके पास सारे वर्ल्ड का नाम आ जाएगा। तो इसमें देखो स्काई वॉर्स नॉर्मल यहाँ पे बन चुका है, ठीक। तो ये बन गया है, अब हमें तो एक ZNPCS क्रिएट करना है। तो यहाँ तो चालू ऑलरेडी हो चुका है और सामने में PVP का है, तो हम लोग इस साइड में स्काई वॉर्स का बना लेते हैं, ठीक। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आ जाना है, यहाँ पे खड़े हो जाना है और अपने को सही से देख लो और यहाँ पे बीच में खड़े हो जाओ। और फिर आपको क्रिएट करना है ZNPCS लिखना है और फिर आपको क्रिएट लिखना है और ये नंबर कौन सा होगा एक बार चेक करना पड़ेगा, मेरे को याद नहीं है। तो आप ZNPCS लिख के लिस्ट लिख दो, ठीक। लिस्ट लिखोगे तो आपको सारे नंबर्स आ जाएंगे। तो ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, 7 नहीं है, तो यहाँ पे 7 नंबर होगा, ठीक। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ZNPCS create 7 player। अब आपको इसके ऊपर क्या लिखना है, तो मैं स्काई वॉर्स लिखना है तो NANL लिख दो, जो मोटा में ग्रीन कलर का दिखेगा, और फिर लिख दो स्काई वॉर्स, ओके स्काई वॉर्स इंटर कर दो। तो आपका हमारा NPC क्रिएट हो गया और इसके ऊपर स्काई वॉर्स लिखा हुआ है, ठीक। तो अभी क्या है ना, ये हम इधर आएंगे तो इधर नहीं देख रहा, ये सीधा देख रहा एक तरफा, तो हम इसको टोगल कर देते हैं ZNPCS टोगल नंबर 7 एंड लुक। तो अब ये हमें देखने लगेगा, हम जिधर देखेंगे जाएंगे उधर हमको देखते रहेगा, ओके। तो अब इसको बाद में कनेक्ट करना होगा। अब इतना करने के बाद आप अपने सर्वर को डिस्कनेक्ट कर दो और एटर्नस के सर्वर पे चलो, और सर्वर पे आने के बाद सर्वर को चुपचाप स्टॉप कर देना है। और सर्वर स्टॉप होने के बाद आपको सीधे प्लगइन्स के अंदर जाना है, और प्लगइन के अंदर यहाँ पे आपको लिखना है स्काई वॉर्स रीलोडेड, लिख दो स्काई वॉर्स रीलोडेड, ठीक। ये लिख के आप सर्च करोगे तो इतने ऑप्शन आएंगे, आप ऑनली स्काई वॉर्स भी लिख सकते हो पर ऐसे लिखोगे तो कम ऑप्शन होंगे, ठीक। तो आपको ये स्काई वॉर्स जो रीलोडेड है ना, ये आपको नहीं, स्काई वॉर्स रीलोडेड अपडेटेड जो है इस पे आपको क्लिक करना है। इसका पूरा नाम देख लो, स्काई वॉर्स रीलोडेड अपडेटेड रिकोडेड 1.20 सपोर्ट न्यू फीचर इतना इतना इतना, ठीक। तो आपको इसको इसके लेटेस्ट वाला जो भी लेटेस्ट हो उस पे क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लेना है, ये याद रखना स्काई वॉर्स रीलोडेड अपडेटेड वाले को, ठीक। और ये इंस्टॉल हो जाए उसके बाद आपको सर्वर पे जाना है, और अब आपको स्काई वॉर्स का इस वेबसाइट पे आ जाना है जहां से आपको लॉबी डाउनलोड करना है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां क्लिक करो तो आप लॉबी वाले वेबसाइट पे आ जाओगे, और यहाँ डाउनलोड माइनक्राफ्ट मैप पे क्लिक करो तो आपको यहाँ 5 सेकंड का काउंटडाउन चलेगा, उसका वेट करो और फिर कंटिन्यू टू डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे कंटिन्यू क्लिक करो और थोड़े टाइम में डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, सेव कर लो। तो यहाँ से स्काई वॉर्स का लॉबी डाउनलोड हुआ है, ठीक। ये डाउनलोड करने के बाद अभी आपको एरिना डाउनलोड करना है, तो एरिना डाउनलोड करने के लिए आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, स्काई वॉर्स एरिना बोल के और उसका होगा स्काई वॉर्स लॉबी बोल के, ठीक। तो एरिना वाले लिंक पे क्लिक करो और इस वेबसाइट पे आ जाओ। यहाँ से आपको एरिना का स्केमेटिक को डाउनलोड करना है, मैप नहीं है ये स्केमेटिक है, इसको डाउनलोड पे क्लिक करना है और फिर आपको डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएगा, तो सेव करके इसको भी सेव कर लेना है। तो ये दोनों डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद आपको अपने एटर्नस के सर्वर में दोबारा आ जाना है। और सबसे पहले आपको मैप को डालना है, तो उसके लिए वर्ल्ड में जाना है, और वर्ल्ड में जाने के बाद आपने जो स्काई वॉर्स का वर्ल्ड क्रिएट किया है उसको ढूंढो, तो ये स्काई वॉर्स का वर्ल्ड दिख जाएगा। इसके अपलोड पे क्लिक करो, फिर जीप फाइल पे क्लिक करो, और जो आपने स्काई वॉर्स का लॉबी डाउनलोड किया है जीप फाइल में उसको आप यहाँ पे ओपन कर दो। तो ये आपका स्काई वॉर्स का लॉबी थोड़े टाइम में ऐसे अपलोड हो जाएगा, और अपलोड होकर थोड़ा टाइम लेगा, फिर ये जैसे ब्लैक हटेगा मतलब अपलोड हो गया। उसके बाद आपको फाइल्स के अंदर जाना है, और फाइल्स के अंदर जाके आपको प्लगइन्स के अंदर जाना है, और प्लगइन के अंदर जाके आपको वर्ल्ड एडिट के ऑप्शन में जाना है। और अगर आपने मेरे हाई पिक्सल के सीरीज को फॉलो करते हो तभी आपने ये सब प्लगइन डाला होगा और ये सब दिखेगा। तो अगर आप पहली बार डायरेक्ट स्काई वॉर्स का वीडियो देख रहे हो तो आपको थोड़ा से पीछे के भी हमारे हाई पिक्सल के प्लेलिस्ट को देख
देखना पड़ेगा ठीक कि कौन कौन से प्लगइन हमने और भी डलवा रखे हैं। ओके तो वर्ल्ड एडिट में जाने के बाद आपको स्कीमेटिक्स ऑलरेडी फाइल दिखेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। और हो सकता है आपने कोई पहले से फाइल ना डाल के रखा हो तो यहाँ पे इम्पेक्ट दिखेगा या फिर जो कोई डाला है तो वो दिखेगा। तो आपके इसके अपलोड पे क्लिक करना है और आपने जो डाउनलोड किया है ये हाई पिक्सल मैप, इसको आपको क्लिक करके यहाँ पे ओपन कर देना है। तो थोड़ा टाइम लेगा और यहाँ पे लोड होने में लोड हो जाएगा स्कीमेटिक फाइल। उसके बाद बस कुछ भी नहीं करना, आपको सर्वर पे जाना है और सर्वर को स्टार्ट कर देना है। और गाइस जब तक सर्वर स्टार्ट हो रहा है तब तक मैं आपको बता दूं, आप तो ऐसे हाई पिक्सल सर्वर बना ही रहो, पर अगर आप रियल पिक्सल खेलना चाहते हो माइनक्राफ्ट खरीद के, पर आप 2000 रुपए में नहीं ऑनली 1350 रुपए में खरीदना चाहते हो ना, तो ये वेबसाइट है जिसका द गेम्स की, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वेबसाइट पे आकर आप माइनक्राफ्ट पे क्लिक करो और फिर आपको यहाँ पे माइनक्राफ्ट जावा बेडरॉक दिखेगा टर्की वर्जन, जो की 1499 यानी कि 1500 रुपए का है। पर आप मेरा कूपन को यूज करोगे तो ये 1350 रुपए में मिल जाएगा और ये आप डायरेक्ट माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से ही खरीदोगे। बट कैसे, थोड़ा वीपीएन लगा के खरीदना होगा और उसके बाद आप नॉर्मली विदाउट वीपीएन खेल सकते हो। बट कैसे आपको करना है, कैसे आपको इंस्टॉल करना है, कैसे आपको ऑफिशियली माइनक्राफ्ट स्टोर से खरीदना है, सबका ट्यूटोरियल आपको इसी पे आप क्लिक करोगे ना तो आपको नीचे में मेरा वीडियो दिख जाएगा जिसमें मैंने फुल डिटेल में बना के रखा है, या फिर आप मेरे चैनल में भी चेकआउट कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का भी लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी वीडियो देख सकते हो, फुल डिटेल में देख लो। ओनली 1350 रुपए में ऑफिशियल माइनक्राफ्ट आप परमानेंट के लिए खरीद सकते हो। वाओ, अगर आपको माइनक्राफ्ट खरीदना है और 2000 रुपए नहीं है तो फटाफट लिंक पे जाओ एंड वीडियो देखो एंड फटाफट यहाँ पे जाके 1350 रुपए में खरीद लो। बाकी आप लोग इसको एक बार चेकआउट जरूर करना। अब आते हैं हम अपने अटर्नल सर्वर पे और इसको स्टार्ट होने का वेट करते हैं। तो गाइस फाइनली हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है। सर्वर स्टार्ट होने के बाद आपको चुपचाप गेम को स्टार्ट ज्वाइन करना और फिर अपने सर्वर को ज्वाइन कर लेना है। सर्वर ज्वाइन होने के बाद मैंने लॉगिन सिक्योरिटी डाला है तो मेरे को लॉगिन करना पड़ेगा। तो आप भी डालना चाहो तो बकेट वाला लॉगिन सिक्योरिटी डाल सकते हो। तो लॉगिन करने के बाद आप गेम में जैसे आओगे उसके बाद आपको सबसे पहले MVTP लिख के आपने जो भी वर्ल्ड का नाम डाला है वो नाम डाल के आपको स्काई वॉर्स वाले वर्ल्ड में टीपी करना है। ठीक, तो ये मैं यहाँ पे टीपी हुआ, तो मैं टीपी कुछ यहाँ पे हुआ हूँ। ठीक, आप बाई चांस कहीं और पे स्पॉन हो टीपी होगे तो ये मैं कोऑर्डिनेट दे दे रहा हूँ, जैसे कि F3 दबा के एक मिनट रुक जाओ। तो आप यहाँ से कोऑर्डिनेट देख लो, -171 -1 लिख के आप टीपी होगे तो आप यहाँ पे टीपी हो जाओगे। ठीक, तो यहाँ पे चुपचाप आप फटाफट टीपी हो जाना और टीपी होने के बाद सबसे पहले आपको करना है किल ऑल हॉस्टाइल, आसपास के जो भी हॉस्टाइल है उनको किल करना है, आसपास के कोई एंटिटीज है उनको भी किल कर देना है। ठीक, उसके बाद आपको लिखना है टाइम सेट नून, और उसके बाद आपको लिखना है गेम रूल डू मॉब स्पॉनिंग को फॉल्स कर देना है। ठीक, और फिर ऐसे ही गेम रूल डू डे लाइट साइकिल को भी आपको फॉल्स कर देना है, और सेम ऐसे ही आपको गेम रूल डू वेदर साइकिल जो है इसको भी आपको फॉल्स कर देना है। ठीक, बस इन तीनों को फॉल्स करने के बाद आपको सबसे पहले ना अपने क्रिएटिव तो हो ही जाना है, और उसके बाद आपको उड़ के ना, ये हमारा स्काई वॉर्स का लॉबी है तो इसको आप प्रोटेक्ट कर लेना। अगर आपको प्रोटेक्ट नहीं करने आता है RG क्रिएट करके तो आप मेरा किट पीपीपी स्काई ब्लॉक बेड वॉर्स का कोई भी एक वीडियो देख लो, उस समय मैंने वर्ल्ड को प्रोटेक्ट कैसे करना है अपने लॉबी को वो बताया है, या फिर हमारा मेन लॉबी वाला ही वीडियो देख लो, पहला है हाई पिक्सल का, उसमें भी मैंने बता रखा है। ठीक, तो वैसे ही आप इसको भी प्रोटेक्ट कर लेना, मैं नहीं करके दिखा रहा हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा ऑलरेडी। ठीक, तो ये वर्ल्ड है, आप कहीं भी अपना स्पॉन सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे इधर में आप NPC भी क्रिएट करने का दिया हुआ है तो आप इधर भी चाहो तो अपना वर्ल्ड कर सकते हो, पर मैं यहाँ पे नहीं करके यहाँ जो अंदर है ना यहाँ पे हम स्पॉन सिलेक्ट करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम आपको सबसे पहले खड़ा हो जाना है और सबसे पहले तो आपको MV सेट स्पॉन यहाँ पे करना है, MV सेट एंटर। ठीक, और ये करने के बाद अब आपको स्काई वॉर्स का जो स्काई वॉर्स का आपको सेट स्पॉन करना है तो SW लिख के सेट स्पॉन लिखना है, SW सेट स्पॉन लिख के एंटर कर देना है, तो आपका ये स्काई वॉर्स का भी सेट स्पॉन हो चुका है। ओके, अब इतना करने के बाद अब आपको स्काई वॉर्स का जो मैप डालोगे स्कीमेटिक वाला उसके लिए आपको एरिना क्रिएट करना होगा, तो वो क्रिएट करने के लिए लिखना है SWM, यानी आप टोटल SW मैप भी लिख सकते हो या MB लिख के स्पेस दे दो और फिर आपको क्रिएट लिखना है, और फिर आपने जो भी आपको मैप का नाम देना है वो मैप का मतलब स्कीमेटिक मतलब एरिना का नाम देना है वो नाम दे दो। तो मैं स्काई वॉर्स लिख देता हूँ, बट अगर आपने इस लॉबी वाले वर्ल्ड का नाम स्काई वॉर्स दिया है तो स्काई वॉर्स नहीं दे सकते हो, आपको स्काई वॉर्स एरिना लिखना होगा या कोई और नाम लिखना होगा, पर मैंने अपने लॉबी का लॉबी इस लॉबी वाले वर्ल्ड का नाम स्काई वॉर्स लॉबी कर दिया है, इसलिए मैं स्काई वॉर्स लिखूंगा तो मेरा स्काई वॉर्स का भी एरिना क्रिएट हो जाएगा। तो मैंने क्रिएट कर दिया, क्रिएट करने के बाद अब थोड़ा टाइम लगेगा, आपको हिलना डुलना नहीं है, आपको स्टेट खड़ा रहना है, नहीं तो आपका गेम लैग हो गया, क्रैश भी हो सकता है, तो आप थोड़ा वेट करो, आपका ऑलरेडी एरिना
थोड़ा क्रिएट होगा और आप वहाँ पे स्पॉन हो जाओगे रिस्पॉन, या फिर अगर आपका सर्वर ज्यादा थोड़ा लैग हुआ तो आपका गेम क्रैश भी हो सकता है। तो ये देखो मेरा सक्सेसफुली क्रिएटेड अ न्यू एरिना कॉल्ड स्काई वॉर्स हो चुका है और आप यहाँ पे खड़े हो। भाई ज्यादा आपका गेम क्रैश होता है ना तो आप फिर गेम को ज्वाइन करना और उसके बाद MSWM EDIT लिखना है। EDIT लिख के आप देखोगे ना तो आपका एरिना का नाम आ जाएगा, उसको इंटर करके ज्वाइन करोगे तब यहीं पे स्पॉन हो जाओगे। ठीक, मैं ऑलरेडी स्पॉन हो चुका हूँ तो मेरे को यहाँ नहीं होना है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे उड़ना है और इस वाले को तोड़ देना है। यहाँ को तोड़ने के बाद आपको लिखना है double slash schematic, फिर आपको लिस्ट लिख के इंटर करना है। तो आपने जो भी स्केमेटिक का फाइल डाल के रखा है वो दोनों नाम दिखेगा। तो हमारा ये वाला स्काई वॉर्स वाला है, तो इसके यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो क्लिक टू लोड आएगा। अब आप पेस्ट पे क्लिक करके इंटर कर दोगे तो आपका डायरेक्ट पेस्ट होगा और वर्ल्ड अपलोड हो जाएगा। पर अगर आप पॉकेट एडिशन से हो ना तो आपको double slash schematic लिखना है और फिर आपको लोड लिखना है और उसके बाद आपको ये जो हाई पिक्सल वाले का जो नाम है ना, नाम को स्पेलिंग देखना है और सेम टू सेम पूरा का पूरा नाम आपको यहाँ पे लिख के इंटर करना है और उसके बाद आपको ये double slash paste लिखना है। और अगर आप जावा से हो तो आप डायरेक्ट एल पे क्लिक करो, double slash paste लिख के इंटर करो। अब थोड़ा टाइम आपको फिर हिलना उड़ना नहीं है, वेट करना है। थोड़ा टाइम में आपका ऐसे जो भी आपने एरिना का स्केमेटिक डाला है वो यहीं पे अपलोड होके बन जाएगा। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो ये हमारा यहाँ पे स्केमेटिक का वर्ल्ड अपलोड होके यहाँ पे एरिना बन चुका है। ठीक, तो पॉकेट वालों का भी बता दिया और जावा वालों का भी। यहाँ पे दौड़ होने के बाद आप यहाँ पे थोड़ा नीचे ऐसे उड़ जाओ यहाँ पे इतना हाइट पे और यहाँ पे आपको लिखना है SWM स्पॉन स्पेक्टेटर का स्पॉन यहाँ पे आप सिलेक्ट कर दो कि जो भी मरेंगे वो यहाँ पे स्पॉन होके स्पेक्टेटर बनेंगे और यहाँ से आप सबको देख सकेंगे। ठीक, और इतना करने के बाद आपको नीचे लैंड करना। और ये देखो ये जो सब चेस्ट है ना ये अभी नॉर्मल चेस्ट है, पर आपको पता है स्काई वॉर्स के जो सेंटर में चेस्ट होते हैं वो ओपी चेस्ट होते हैं, उनमें ओपी लूट मिलता है। तो आपको इस चेस्ट को ओपी लूट बनाने के लिए आपको टाइप करना होगा SWM चेस्ट टाइप स्पेस, आपको अपने एरिना का नाम देना है। तो हमारा एरिना का नाम स्काई वॉर्स है, फिर आपको स्पेस देख के यहाँ पे सेंटर का हमें चेंज करना है। तो कैपिटल में आपको सेंटर लिख देना है। ठीक, सेंटर लिख के इंटर करो तो अब ये सेंटर का जो भी चेस्ट है वो यहाँ पे दिखेगा। अब आपको यहाँ पे टाइप करना है चेस्ट, आपको क्रिएटिव में से एक तो नॉर्मल चेस्ट ले लेना है और अब इस चेस्ट को आप जितने भी यहाँ पे सेंटर में चेस्ट है उसको तोड़ के अपना चेस्ट लगा देना है। तो ये देखो हमारा एडेड अ न्यू सेंटर चेस्ट टू द मैप स्काई वॉर्स। तो आपको जितने भी चेस्ट है सबको तोड़ते जाना है और यहाँ पे अपना खुद का चेस्ट लगा देना है। तो ये जब ये जो चेस्ट होगा इसमें ओपी लूट मिलेगा। ठीक, तो ऐसे हमें ऊपर में चार ही है, फिर हमें नीचे में दो चेस्ट मिलेगा। तो यहाँ से आप नीचे चले जाओ और नीचे में यहाँ पे दो चेस्ट होगा तो इसको भी आपको तोड़ना है और यहाँ पे भी अपना चेस्ट लगा देना है। ठीक, फिर इतना होने के बाद फिर आपको इधर में कहीं चेस्ट नहीं है, इधर भी रास्ता है, इधर भी है, तो इधर से निकलते हैं। ठीक, तो सारा इधर का चेस्ट लगा दो, बस हमारा ये सेंटर का ओपी चेस्ट हो गया। और वो जो साइड के चेस्ट है ना ये नॉर्मल चेस्ट होते हैं तो इनको भी तोड़ के लगाना होगा, पर इनके लिए भी एक कमांड डालना होगा, ये सेंटर को हटा के बस यहाँ पे कैपिटल में नॉर्मल लिख देना है। तो SWM चेस्ट टाइप स्काई वॉर्स नॉर्मल लिख के इंटर कर दो और फिर आप इन सारे चेस्ट तोड़ के लगाओ तो ये सब नॉर्मल चेस्ट में लगते जाएंगे। तो हर एक पे आपको तीन तीन चेस्ट मिलेगा, तो हर एक को तोड़ो और तीन तीन चेस्ट लगाते जाओ। ठीक, और यहाँ से लगा रहे हो तो फिर आप ऐसे एक एक करोगे तो आप हो सकता है फिर रिपीट करने लगो, तो ये काउंट कर लो। जैसे एक लगा दिए तो अब ये करोगे तो यहाँ पे दो कर, मतलब काउंट करना टोटल 12 है तो 12 करके रुक जाना, ये नहीं कि रिपीट करते रहना। ठीक, तो फटाफट मैं 12 का चेस्ट को तोड़ तो के दोबारा लगाता हूँ, फिर आप लोग से मिलता हूँ। ठीक, तो हमने टोटल 12 प्लेयर का 12 चेस्ट को तोड़ के लगा दिया है। तो अभी ये सब लगा देना, अब ये सब होने के बाद अब आपको इसी हाइट पे जाना है और यहाँ पे आपको हर एक प्लेयर का स्पॉन सिलेक्ट करना है। तो आपको सेम हाइट पे रहना, आप एक बार ऊपर हाइट अपना देख लो कितना हाइट पे रखना है, उसी हाइट पे आपको हाइट ऊपर नीचे बार बार नहीं करना। अब आपको यहाँ पे आके SWM लिखना है, फिर आपको स्पॉन लिखना है और फिर आपको प्लेयर लिख के इंटर कर देना है। तो आपका प्लेयर एक प्लेयर का स्पॉन यहाँ पे सिलेक्ट हो गया और ऐसे ही आपको टोटल हर एक पे जाके सेम कमांड को ऐसे रिपीट करते रहोगे तो अलग अलग ये होता रहेगा। तो एक दो ऐसे ही आपको टोटल 12 स्पॉन को बनाना है। तो टोटल बस सेम वो कमांड डालना है, कमांड में कोई भी अलग नहीं करना है, सेम कमांड को आप अलग अलग ऐसे डालते रहो तो आपका हर एक प्लेयर का स्पॉन बनते जाएगा। टोटल 12 करना है तो 12 में फटाफट ऐसे स्पॉन बनाते हैं और उसके बाद आप लोग से मिलते हैं। 5 हो ही क्या है और से हो गया और टोटल 7 है। ठीक, तो ये देखो हमारा टोटल 12 यहाँ पे स्पॉन भी सिलेक्ट हो चुका है प्लेयर्स का। इतना करने के बाद अब आपको ना एक काम करना है, मिनिमम प्लेयर सिलेक्ट कर लेना कि कम से कम कितने प्लेयर हो तो मैच स्टार्ट हो। तो आप यहाँ पे ये कर सकते हो SWM MIN स्पेस अपने एरिना का नाम, इसके बाद आपको मिनिमम कितने प्लेयर लगना है। तो मैं आप मिनिमम 2 रखना, पर मैं मिनिमम 1 रखता हूँ कि मैं आपको सब करने के बाद अकेले खेल के दिखा भी दूंगा। ठीक, तो SWM मिनिमम स्काई वॉर्स 1 लिख देता हूँ, आप मिनिमम 2 प्लेयर रख लेना या फिर आप अपने हिसाब से
से रख लेना ठीक। फिर वन लेके इंटर कर दिया तो हमारा मिनिमम वन प्लेयर सेट हो गया। अब आपको कुछ भी नहीं करना, अब आपको बस SWM लिख के स्पेस देना है और फिर सेव लिखना है और फिर अपने एरिना का नाम लिख देना है। हमारा एरिना का नाम है स्काई वॉर्स, आपका जो भी है वो लिख के इंटर कर दो, हमारा एरिना सेव हो जाएगा और आप यहाँ पे स्पॉन हो जाओगे। अब यहाँ स्पॉन होने के बाद एक आखिरी कमांड डालना है आपको SWM रजिस्टर और अपने एरिना का नाम, ये लिख के इंटर कर दो तो आपका सक्सेसफुली रजिस्टर अब मैप कॉल्ड स्काई वॉर्स। बस हमारा स्काई वॉर्स रेडी हो चुका है गाइस। अब आपको बस एक लॉबी में जाके हम आपको वो NPCs भी कनेक्ट करते थे पहले, फिर सब काम हो जाएगा ठीक। तो अब देखो अब हम लॉबी में गए LOBY लॉबी। लॉबी में जाने के बाद एक और चीज मैं आपको दिखा दूं, अगर आपको कमांड से वहां जाना है तो आप बस यहाँ पे लिख सकते हो SW लॉबी, लिखोगे ना SW लॉबी तो आप डायरेक्ट यहाँ पे आ जाओगे ठीक। तो हम इसी कमांड से NPC को कनेक्ट भी करेंगे ओके। तो फिर लॉबी में चलते हैं हम और हमारा स्काई का इधर में हमने बनाया था तो इधर फटाफट चलते हैं। तो ये हमारा स्काई वॉर्स का NPC है, अब इसको हमें कनेक्ट करना है उसके साथ। तो हमें लिखना है ZNPCS एक्शन, ये नंबर 7 है तो 7@CMD, फिर आपको SW लॉबी लिख देना है लॉबी ठीक। तो ये हो गया हमारा ZNPCS एक्शन 7@CMD SW लॉबी इंटर, तो ये डन हो गया। अब आप यहाँ पे आओगे और स्काई वॉर्स के NPC पे क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट यहाँ लॉबी में आ जाओगे और लॉबी में देखो आपके हाथ में तीन सामान मिलेगा, जैसे कि एक मिनट रुक जाओ, जैसे कि एक होगा ज्वाइन मेनू, एक होगा स्पेक्टेटर मेनू, एक होगा स्काई वॉर्स ऑप्शन मेनू। तो ये देखो यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट ज्वाइन मेनू का ऑप्शन खुलेगा और ये आपने जो स्काई वॉर्स का मैप बनाया है आप अलग अलग मैप बना सकते हो और आपका अलग अलग मैप दिखाएगा। तो हमने स्काई वॉर्स का एक बनाया तो इस पे क्लिक करेंगे तो वो ज्वाइन हो जाएगा। बाकी यहाँ पे एक तो है हमारा स्पेक्टेड मेनू, जिस पे आप क्लिक करोगे तो वही स्काई वॉर्स में कौन क्या खेल रहा, अगर आपको स्पेक्ट करना है तो उस पे क्लिक करके स्पेक्ट कर सकते हो। आखिरी वाला जो है वो है स्काई वॉर्स ऑप्शन मेनू, आपको केजेज होगा ये सब, आप अगर स्काई वॉर्स खेलते हो तो आपको पता ही होगा इसका यूज कैसे करना है, मेरे को ज्यादा आइडिया है नहीं तो मेरे को पता नहीं ठीक। तो हम पहले फटाफट अकेले हैं तो इसको आपको स्काई वॉर्स ज्वाइन मेनू पे क्लिक करते हैं और उसके बाद अपने स्काई वॉर्स पे क्लिक करते हैं तो हमारा ये ज्वाइन हो गया, वेलकम टू द स्काई वॉर्स। तो ऐसे स्टार्ट हो गया, 5 सेकंड का काउंट डाउन चलेगा उसके बाद मैच स्टार्ट हो जाएगा और हम अपने मैच को खेल पाएंगे। मेरा अकेले इसलिए स्टार्ट हो गया क्योंकि मैंने मिनिमम 1 प्लेयर किया था, अगर आपको ज्यादा रखना है तो आप मिनिमम 2-3 अपने हिसाब से कर लेना ठीक। नॉन मॉडिफाइड, अब इसमें कैसे खेलते हैं मेरे को उतना आइडिया नहीं है गाइस। आप लोग बस मैप स्टार्ट हो गया, अब इसको आई थिंक तोड़, ये लूट बॉक्स देखते हैं इसमें क्या है। तो ये देखो लूट बॉक्स में ये सारे सामान है, तो इन सामान को लो लूटो और जैसे भी खेलते हैं वैसे आप खेलो एंड एंजॉय करो, इतने ओपी आइटम्स है गाइस, क्या बात है। तो बस गाइस आज का यही वीडियो था, आज मैंने आपको बता दिया कि हाई पिक्सल टाइप का स्काई वॉर्स अपने अटेंडेंस के सर्वर में इजीली कैसे बना सकते हो बिना किसी दिक्कत का। तो बस यही आज का वीडियो था, बट ये बताऊंगा गाइस मेरे को बीच में बहुत दिक्कत हुआ था, अगर आप मेरे वीडियो को डिटो देखोगे और सेम टू सेम फॉलो करोगे तभी आपका वर्क करेगा, थोड़ा भी दिक्कत करोगे ना तो मेरे को खुद दिक्कत हो गया था टीम स्पॉन वाले में, तो अनबैलेंस टीम लिख के आ सकता है। तो अगर आए तो कमेंट बताना, मैं फिर डिटेल में इस पे एक अलग वीडियो और बना दूंगा। बट अगर आप इस वीडियो को सेम टू सेम करोगे, अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाओगे, जो मैं लिखा हूं सेम वैसे ही टाइप करके करोगे तो आपको कुछ दिक्कत नहीं होगा, आप इजीली बना के खेल सकते हो। बट अगर आप अपना दिमाग लगा के टीम वगैरह बना दिए तो फिर वहां पे आपको थोड़ा दिक्कत आ सकता है, तो अपना दिमाग मत बनाना, नॉर्मल जैसे मैंने स्पॉन बनाया 12 स्पॉन वैसे बनाना और सिलेक्ट करके सेव कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप इजीली इसको खेल के एंजॉय कर पाओगे। तो आई होप आज का ये स्काई वॉर्स का वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, तभी आपको और भी ऐसे ऐसे ओपी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और अगर आपको 1350 रुपए में माइनक्राफ्ट को परचेज करना है वो भी ऑफिशियल माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से, तो मेरा वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, वेबसाइट का लिंक भी है, आप जाके उस वीडियो को देखो और वहां से वेबसाइट पे जाके परचेज कर लो ओनली 1350 में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।